राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 115 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 13,096 हो गई है। भरतपुर में 68 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। जयपुर की अगर बात करें 21, झुंझुनू में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। टोंक की अगर बात करें तो 6, सिरोही और दौसा में 4-4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। झालावाड़ में 3 और भीलवाड़ा में 1 नया कोरोना पॉजिटिव मिला। प्रदेश में आज कोरोना से 1 मरीज की मौत भी हुई और राजस्थान में कोरोना से अब तक 302 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार कोरोना का ग्राफ राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। 115 नए कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए। 13,096 संख्या हो चुकी है। भरतपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा जति फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, 68 कोरोना पॉजिटिव आए हैं राजेंद्र, लगातार जो उछाल है वो यहां पर कोरोना मरीजों का देखने को मिल रहा है। क्या नई अपडेट मिल पा रही है, कौन ये लोग थे? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा कि भरतपुर में कोरोना के हालात चिंताजनक है जी। कल दिन में तो कोई खबर नहीं थी कि पॉजिटिव आने की, लेकिन रात को 10 बजे के बाद जो बुलेटिन आया चिकित्सा विभाग का जी, तो उसमें चौंकाने वाली ही खबरें आई कि उसमें 65 केस है जो पॉजिटिव केस आए रात को 10 बजे के बाद जो बुलेटिन आया उसमें, और सुबह 3 केस मिलाकर के आज 68 पॉजिटिव केस मिले हैं भरतपुर में, जिनका कुल मिलाकर के भरतपुर जिले में आंकड़ा 1068 केस पर पहुंच चुका है जी। और सबसे बड़ी चिंताजनक वाली बात है, 1000 से ऊपर जब आंकड़ा पहुंचा तब ये चिंता के हालत बन गए थे बिल्कुल। लेकिन इसमें जो 68 केसेज में जो सबसे ज्यादा केसेज आए हैं भरतपुर शहर के 14 केसेज हैं, इसके अलावा कुम्हेर में 43 केसेज हैं। कुम्हेर में भी अब केसेजों की संख्या बढ़ने लगी है जी। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ कुम्हेर अब जैसे ब्याना में पहले 100 से ऊपर जब पॉजिटिव केस हो गए थे, तो इस तरह से कुम्हेर में केसेज बढ़ने लगे हैं भरतपुर शहर के साथ साथ। और दूसरा यह है कि इस पॉजिटिव केस के साथ साथ कुछ कैजुअलिटी भी हो रही है, कुछ आज तक जो हुई 18 मौत भी होती है कोरोना पॉजिटिव की वजह से हो चुकी है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भरतपुर जो है आगरा से जुड़ा हुआ एक यूपी का जो आगरा मथुरा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जी। पहले आगरा में सर्वाधिक केसेज आए थे, उसमें 1054 केसेज सर्वाधिक आए थे, लेकिन उसके बाद वहाँ हालात आगरा में नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ आगरा की आबादी भरतपुर से डबल है के करीब है, लेकिन यहाँ केसेज एक उससे आगरा से भी ज्यादा केसों की संख्या पहुंच चुके हैं, 1068 से अधिक केसेज बढ़ चुके हैं जी। राजेंद्र, राजेंद्र कितने लोग रिकवर हो चुके हैं? इनमें से 489 केसेज जो है रिकवर हुए हैं, चिकित्सा विभाग का जो मानना है, बाकी का तो क्वारंटाइन में है कुछ है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इसमें कुछ ज्यादा सीरियस केसेज नहीं है, मतलब लक्षणवार जिनको अपन गंभीर कह सकते हैं, इलाज सबका जारी है, लेकिन फिर भी केसेज जो बढ़ रहे हैं वो एक चिंताजनक हालात की स्थिति पैदा कर रहे हैं भरतपुर में। जब तक इनके पर रोकथाम और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने वाले गवर्नमेंट सरकारी एडवाइजरी की जो पालना है वो सख्ती से नहीं होगी, तब तक रोक पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, भरतपुर में लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 400 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन जो पॉजिटिव हैं उनका आंकड़ा अभी भी बहुत ज्यादा की संख्या में है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, देखिए बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कोरोना, लगातार आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कौन से गांव से ये आंकड़े, कौन से कस्बों से ये आंकड़े अब जो सामने आ रहे हैं वो हैं? जी मनीषा, बिल्कुल झुंझुनू के अंदर देखें या बल्कि पूरे प्रदेश में देखें, कोरोना का जो आंकड़ा है वो अभी काबू में नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन रोज करीब हजारों की संख्या के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। आज झुंझुनू के अंदर 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो जिसमें से 4 पिलानी विधानसभा के रहने वाले हैं और 6 झुंझुनू के अलग हिस्सों के रहने वाले। अब तक कुल झुंझुनू के अंदर 244 की संख्या है वो कोरोना पॉजिटिव की पार हो चुकी है जी। सुजीत, अगर रिकवर मरीजों की बात करें तो कितने लोग हैं जो रिकवर फिलहाल हो चुके हैं? जी मनीषा, बिल्कुल झुंझुनू के अंदर रिकवरी भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। रिकवरी कल और आज तक की देखी जाए तो 200 के पार है जो रिकवरी का आंकड़ा हो चुका है जी। बिल्कुल, ये बहुत खास बात सामने आ रही है। क्या लोगों में देखने को मिल रहा है, लोग जागरूक अभी हो रहे हैं, कोरोना का भय उनमें है या फिर नहीं? जी मनीषा, बिल्कुल झुंझुनू के अंदर भी कोरोना का भय देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन है और जो जिला प्रशासन है वो समय समय पर अभियान चला रहा है और बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर और के इनके खिलाफ चलान भी काटे जा रहे हैं, और पुलिस का कहना है और कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की जाए।
बिल्कुल सुजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 302 लोग प्रदेश में कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। टोंक से हमारे संवाददाता फिरोज उस्मानी फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज, क्या अपडेट मिल पा रही है टोंक से, क्या वहां पर हालात बने हुए हैं? जी देखिए, आज भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। आज भी 6 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने मिले, जिसमें से 5 तो टोंक के धन्ना तलाई क्षेत्र के और एक देवली उपखंड के थाना घाट क्षेत्र का है। जी, ये घाट क्षेत्र का कल जो पॉजिटिव मिला था उसी के संक्रमण से ये एक और नया पॉजिटिव आया है। अब टोटल टोंक में 187 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं। बिल्कुल जी मनीषा जी। फिरोज, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं? मैं बताना चाहूंगा कि अब तक टोंक में रात की बात यह है कि 158 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जी। और 2 बार जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है उनकी संख्या है 15। अब टोटल टोंक में अभी फिलहाल 13 एक्टिव मामले अभी शेष हैं। बिल्कुल फिरोज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 13,096 ये संख्या हो चुकी है। लगातार प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। सिरोही से हमारे संवाददाता लियाकत अली फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। लियाकत, क्या अपडेट सिरोही से, क्या हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, प्रदेश भर में जिस प्रकार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं उसी प्रकार सिरोही जिले में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब तक सिरोही जिले में कुल 312 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं। जी, वही आपको बता दें, लगातार सिरोही जिले में COVID-19 लैब का उद्घाटन के बाद यहाँ पर सैंपलों की जाँच हो रही है और तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से हर स्थिति को लेकर गंभीर है। बिल्कुल लियाकत, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं? जी करीब 150 लोग, करीब 180 लोग रिकवर हो चुके हैं। जी, लेकिन तेजी से जो आंकड़ा बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। बिल्कुल लियाकत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, करीब 150 लोग यहां पर सिरोही में रिकवर हो चुके हैं। लगातार रिकवरी रेट है वो भी अच्छी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ट्वीट करके कहा कि बहुत संतोषजनक बात है, 75% राजस्थान की रिकवरी रेट है। हेल्थ प्रोटोकॉल पर ज्यादा ध्यान देना होगा। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, जो नए इंतजाम करने हैं उनको लेकर समीक्षाएं की जा रही हैं लगातार। और इस बीच कोरोना का जो आंकड़ा है उसकी अगर हम बात करें तो 13,096 ये संख्या हो चुकी है और 302 लोग कोरोना की चपेट में आकर प्रदेश में अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज 115 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। भरतपुर में सबसे अधिक यानी कि 68 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। जयपुर में 21। टोंक की अगर बात करें 6 कोरोना पॉजिटिव यहां पर सामने आए। सिरोही और दौसा में 4-4 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। हालांकि भीलवाड़ा में 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया और प्रदेश में आज 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हुई है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या नई अपडेट? देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या नए इंतजाम किए जा रहे हैं, किस प्रकार की नई जो व्यवस्थाएं हैं वो हैं? जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से प्रदेश में लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13,096 हो चुकी है, तो वहीं जो मरने वालों की संख्या भी 300 से अधिक हो चुकी है और प्रदेश में अब तक 302 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। लगातार जिस तरह से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उसको लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से गंभीरता से काम किया जा रहा है। अब जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें बिना लक्षणों वाले जो कोरोना पॉजिटिव है वो अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग ने एक और नई जो तरीका है उनको ठीक करने का वो निकाला है। उसमें अस्पताल में भर्ती नहीं कर कोरोना पॉजिटिव को होम आइसोलेट कर उनका इलाज शुरू किया है, जो एक नई तरीका है। और इसी को तहत जयपुर में बात करते, जयपुर में पहले चरण में 19 जो कोरोना पॉजिटिव उनको पहले चरण के तौर पर उनको होम क्वारंटाइन किया गया और उसी के तहत उनका इलाज किया जा रहा है। जिस तरह से उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है उसके 5 दिन बाद उनके सैंपल लिए जाते हैं। सैंपल में अगर फिर भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उनको वहीं रखा जाता है। इस दौरान अगर लक्षण आते हैं तो उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, अगर लक्षण नहीं आते हैं तो
होम आइसोलेट करके ही उनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर सामने आ रही है। हालांकि प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश में अब तक 9794 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। तो वहीं अब एक्टिव केस की बात करें तो प्रदेश में 3000 अभी एक्टिव केस है। तो लगातार जिस तरह से एक्टिव केस पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे, उसमें जो प्रवासियों की संख्या लगातार अब कम होती नजर आ रही है जी। लेकिन जिस तरह से जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग की बात करें तो उसी का जो उसी के तहत जब देखा जाए तो लगातार अब बिना प्रवासियों के भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें कई मामले ऐसे भी आए हैं जो किसी के संपर्क में आए बिना भी कोरोना पॉजिटिव जो बताए जा रहे हैं। इसी वजह से चिकित्सा विभाग की ओर से भी तमाम जो इंतजाम वो किए जा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना बचने के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको फॉलो करते हुए अपने जो जीवन चक्र है उसको फिर से शुरू करें। इन्हीं बातों को लेकर सरकार की ओर से भी तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब प्रदेश भर में अब जागरूकता अभियान भी शुरू किया जा रहा है जी। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस प्रकार से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं राजस्थान में, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं और अब होम क्वारंटाइन का सिलसिला शुरू हो चुका है। साथ ही 5 दिन बाद सैंपल मरीजों के लिए जा रहे हैं और उसके बाद जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। फिलहाल